इस नशे की आदतों ने हमें कई खाना छोड़ा। अच्छे थे जब लत न थी इस चीज की। बस बस यही ख्याल उन सब लोगों को आता है जो अपना सब कुछ हार जाते हैं, एक नशे की लत में अपना सब कुछ उजाड़ देते हैं। पर जिंदगी अपने पड़ाव में कई बार इसे उभरने के मौके देती है। बस यही तो होना चाहिए कि हम ये मौके अपने आप को या अपने किसी खास को दे या ना दे। जी हाँ, नशे का अमल कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि लोग अपने सुख और गम में भी अपनों का साथ छोड़कर नशे का साथ अपनाते हैं, नशे के और करीब और अपनों से और दूर हो जाते हैं। यह सब होने से पहले इसे रोकना जरूरी है। पर कैसे? घर पर दवाइयां लेकर थक हार चुके परिवारजनों को दिलासा देने के लिए कई नशा मुक्ति केंद्र एवं रिहैब सेंटर कारगर तरीके से पेशेंट का इलाज कर रहे हैं और इस वजह से बढ़ती नशे की आदत को छुड़ा पाना संभव हो पाया है। भारत के प्रभावी नशा मुक्ति केंद्रों में से एक है इटारसी का नशा मुक्ति केंद्र, जहां पर नशाखोरी का इलाज करके आज कई सारे लोग स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। आज अपने इस एपिसोड में जानते हैं इटारसी व्यसन मुक्ति केंद्र एवं नशा मुक्ति के प्रोसेस के बारे में। इटारसी में रहकर नशा मुक्ति केंद्र के बारे में जानता ना हो ऐसा शायद ही कोई शख्स होगा। यहाँ अपने अनुशासन और मल्टीपल थेरेपी से किए जाने वाले इलाज से मरीजों में सुधार हुआ है। यहाँ पर सबसे पहले डिटॉक्सिफिकेशन किया जाता है। पेशेंट के फिजिकल कंडीशन को देखकर डॉक्टर, एक्सपर्ट और काउंसलर की टीम पेशेंट को समझकर उसका इलाज करती है। ड्रग यूज कर रहे हैं उससे डी एडिक्ट कराते हैं, मतलब पेशेंट एडिक्टेड है वो ड्रग को, हम उसको मल्टीपल थेरेपी के थ्रू, दवाइयाँ हो गई, डाइट हो गई, काउंसलिंग हो गई, उस हिसाब से हम पेशेंट को डी एडिक्ट कराते हैं। रहना, खाना, गोली, दवाई, काउंसलिंग, अकेले में, ग्रुप में, परिवारजनों के साथ काउंसलिंग की जाती है। एज अ काउंसलर हम यहाँ देखते हैं पेशेंट जब आते हैं तो बहुत से ऐसे होते हैं जो अपनी बातें बताते हैं, हमको शेयर करते हैं, जिन्हें हम सुनते हैं, समझते हैं और उनको ऐसी कोशिश करते हैं कि वो उस चीज़ को जो उनकी नेगेटिविटी है उसको हम दूर कर सकें और उनको पॉजिटिव ला सकें। और इस तरह से काउंसलिंग होने से हम उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देते हैं और जो उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए बहुत सहायक होता है। कम्युनिकेशन थेरेपी, शेयरिंग क्लास, इस माध्यम से कारगर इलाज होता है। इसके बारे में कई मरीजों ने हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। जो स्टाफ लोग हैं इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से रखा, मुझे बहुत प्यार दिया, इज्जत दी, मुझे सम्मान भी दिया और फिर मुझे अब ऐसा लग रहा, मुझे मतलब मेरा परिवार ही इसमें दिखने लगा कि यार ये सब मेरे घर के लोग हैं। यहाँ पर जनरल और एसी वार्ड है, साथ में सेमी डिलक्स रूम भी, एसी डिलक्स रूम है और साथ में सुपर डिलक्स रूम भी अवेलेबल है। प्रार्थना घर और अन्य जगहों पर नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करने वाले संदेश एक सकारात्मकता निर्माण करते हैं। नहा धोना, दूध नाश्ते के बाद रोज दैनंदिन मंगलमय प्रार्थना से यहाँ के दिनचर्या का प्रारंभ होता है। शरीर के लिए मेडिसिन और साथ साथ मन के लिए मेडिटेशन और योगा एक सकारात्मक नई ऊर्जा निर्माण करता है। यहाँ खुले वक्त में पेशेंट्स पेपर पढ़ना, मनोरंजन के लिए टीवी देखना और साथ ही खेल खेलना पसंद करते हैं। सुबह नाश्ते से लेकर लंच और डिनर तक स्वादिष्ट भोज के लिए यहाँ पर अच्छे शेफ है जो टेस्टी फूड बनाते हैं। क्वालिटी के साथ साथ यहाँ पर स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर पेशेंट्स और केयर टेकर दोनों के लिए ड्रेस कोड है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जगह जगह सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं, जिसकी 24 आवर्स मॉनिटरिंग की जाती है। गरीबी, अमीरी, ऊंच नीच, जाति धर्म सब भुलाकर सब लोग यहाँ पर एक परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। अपने जैसे लोगों की आप बीती और कई उजड़े हुए परिवारों की दास्ता सुनकर नशा मुक्ति का संकल्प यहाँ पर आए सबके मन में दृढ़ हो जाता है। मुझे समझ ही नहीं आया कि कब मैं बिल्कुल उस चीज का आदी हो गया।
और बिना अल्कोहल के मेरा जीवन अधूरा सा लगने लगा मुझे। एक डिप्रेशन में मैं चला जाता था अगर मैं अल्कोहल यूज़ नहीं करता था। एक आदत के कारण मेरा पूरा कैरियर, मेरा फ्यूचर सब तबाह कर दिए। नशा की बुरी आदतें छोड़ने के लिए और मन में नए आत्मविश्वास की निर्मिति के लिए यहाँ पर मोटिवेशन क्लासेस भी लिए जाते हैं। आपको एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है जो इस संस्था द्वारा आपको दिया जाता है, लक्ष्य नशा मुक्ति केंद्र द्वारा आपको दिया जाता है, जिससे पेशेंट को पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो जिंदगी को सकारात्मक सोच के साथ जीने का प्रयास करते हैं। और मेरी हर एक तकलीफ को यहाँ के लोगों ने समझा, मुझे हौसला दिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं नशा छोड़ दूंगा। मुझे 15 दिन हो रहे हैं यहाँ पे आए हुए, अब मुझे 15 दिन में काफी कुछ अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है मेरी बॉडी अब है, क्योंकि नशा कर करके मेरा शरीर पूरा खत्म हो गया था। जन जागृति मनोरंजन के लिए यहाँ पर प्रोग्राम्स भी होते हैं और अच्छे परफॉर्मेंस करने वाले सदस्य को प्राइज देकर उसकी हौसला अफजाई की जाती है। बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन और कामयाबी का जश्न भी मनाया जाता है, जिसमें सभी लोग शामिल होते हैं। पेशेंट को यहाँ पर ऐसी स्थिति में लाया जाता है, उनके नशे की लत इस कदर बढ़ जाती है कि वो शरीर और दिमाग दोनों की जरूरत बन जाता है और इस वजह से खुद के शरीर पर नियंत्रण रखना मुश्किल हो जाता है। उस वक्त रिहाब सेंटर में इलाज करते समय डॉक्टर की निगरानी में दवाइयों के साथ साथ कुछ नॉन कन्वेंशनल तरीके भी अपनाए जाते हैं जो कारगर होते हैं। जिस तरह का पेशेंट्स जो भी नशा करता है उसके लिए उसको उसी तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। आगे जब यहाँ से बाहर जाए तो बहुत जल्दी जो कंडीशन है, उसके सर्कमस्टेंसेस हैं, उसके ऊपर अगर उसको नहीं मिलते हैं तो वो नशा पूरी तरह से छोड़ सकता है। पहले बेहोशी के आलम में जिए जा रहे थे, पहले बेहोशी के आलम में जिए जा रहे थे, यहाँ आके फिर से मेरी जिंदगी से मुलाकात हुई। यहाँ पर इलाज करके स्वस्थ हुए लोगों को अक्सर ऐसा ही लगता है। अपने परिवारजनों को फिर से खुशहाल देखने के लिए, जिंदगी को पॉजिटिवली जीने के लिए, अपने साथ अपनों का साथ पाने के लिए, नशा मुक्ति पाने के लिए इटारसी व्यसन मुक्ति केंद्र से अवश्य संपर्क कीजिए। याद रखिए, नशाखोरी एक बीमारी है और इसका इलाज संभव है।